बताएं जैन साहब। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं नेस्को लाया हूं। नेस्को एक अलग सी स्टॉक है और इनफैक्ट ये अगेन वही मैं मेरा रेगुलर वाला डायलॉग आपके ऑफिस से लेकर घर के बीच में ये आता है। और एग्जीबिशन देखिए जिस तरीके का रिवेंज टूरिज्म है, रिवेंज कंजम्पशन है, तो रिवेंज ये सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेज भी हो रहे हैं अनिल जी। गजब के कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स, वो तो आप भी देख रहे हैं हर वीकेंड पे। हर बार हम बाहर जाते हैं और हर वीकेंड पे कोई ना कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस होता है और एग्जीबिशन हो रहे इतने बड़े बड़े। मुझे पता है ज्वेलरी का एग्जीबिशन अगर नेस्को में होता तो किस तरीके का अगस्त के महीने में रेस्पॉन्स था। तो गजब का माहौल बना हुआ है और मेरा ऐसा मानना है कि आगे भी आने वाले दिनों में गजब का माहौल और बना रहेगा, ये बढ़ता जाएगा। तो बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर 5 हॉल्स है उसमें, ग्रैंड हॉल है, फिर आप देखिए आईटी पार्क्स इनका एक बना हुआ है, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में कंपनी, क्योंकि एक रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो गया। फिर इनकी इंडेबरेटर बोल के जहां पे लोग मशीन्स और कैपिटल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं वहां पे भी कंपनी ने गजब की ग्रोथ दिखाई है पिछले मतलब अगर 10-12 सालों में देखें। और प्लस कुछ फ्यूचर प्लान्स भी है कंपनी के, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कोई नया एक टावर बना रहे हैं और बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का और बड़े सिंगापुर बेस्ड आर्किटेक्ट को लेकर बनाया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में देखिए एक तो पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है, बहुत पुरानी एक वो प्रॉपर्टी है और अभी रिसेंटली देखिए इनके मतलब डिमाइज हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, मिस्टर सुमन पटेल का भी, वो एक अलग वो है। बट एनीवेज व्हाट आई फील इज कि ये सारा जो माइस वाला बिजनेस, एग्जीबिशंस वाला बिजनेस, ये और बढ़ने वाला। और बॉम्बे में देखिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है लोगों के पास ऐसे, मतलब नेस्को जैसा ऑप्शन। और मुझे ऐसा लगता है कि ये देखिए जिन लेवल्स पे है ये स्टॉक, एक तो मैं ऊपर के लेवल्स स्टॉक में करीब 740 के दिखाए हुए हैं और अगर न्यू ईयर हाईज, अगर इस साल का 52 वीक हाईज देखें तो वो करीब 686 के लगभग है। और मैं पिछली बार जब ला रहा था ये स्टॉक तब 635 के लगभग था, फिर वेट किया कि चलो और करेक्शन आए, तो अब ये एक बार 615-20 वापस से उस लेवल्स पे और अपने 200 डेमास के आसपास भी बहुत बढ़िया सपोर्ट ले रहे हैं। और मैं रिजल्ट्स देख रहा था, लाजमी था कि बीच में 2-3 क्वार्टर हल्के रहेंगे, बट फिर भी कंपनी ने जबरदस्त मैनेज किया क्योंकि कंपनी का एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। और इस बार का रिजल्ट बहुत ही तोड़फोड़ रिजल्ट है, सितंबर 2021 में 44 करोड़ के सामने सितंबर 2022 में 82 करोड़ का पैट और टॉप लाइन भी 81 करोड़ के सामने 143 करोड़ का टॉप लाइन। तो टीटीएम बेसिस पे कंपनी हाईएस्ट एवर एनुअलाइज प्रॉफिट से बैठी है 240 करोड़ के लगभग और शेयर कैपिटल भी बहुत छोटी। और इनफैक्ट जब मैं लास्ट टाइम दिया था तो जेम्स में या एसपीएल मिड कैप में, तो मुझे किसी ने कोई अपने टीवी फॉलोअर ट्विटर फॉलोअर ने भेजा कि देखिए मेरे पास ओरिजिनल हैंड रिटन सर्टिफिकेट इस कंपनी की पड़ी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग ऐसे भी देखते हैं। और एफआईआईज डीआईआईज और करीब अच्छा खासा लोग भी होल्ड करते हैं करीब 7-8%। मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे स्टॉक को लेना चाहिए। आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक, हमेशा मेरे फेवरेट स्टॉक्स में से रहा। मैं बजट वाले शो में भी एक बार दिया हुआ हूं जब हम स्टूडियो में आके करते और अब तो 1 तारीख का इंतजार है, तो 690 का पहला टारगेट और 720 का दूसरा टारगेट। 690-720 ये दो टारगेट जिसके लिए आपको करनी है नेस्को में खरीदारी। ये राय जेन साहब की तरफ से जेम स्टॉक के तौर पर आती हुई ये है उनकी पसंद का शेयर।